ओम वास्तु पुरुषाय नमः। वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए और आज मैं आपसे बात करूंगा नीव पूजन के बारे में। ग्रहारंभ किस दिन से और किस शुभ मुहूर्त से ग्रह का आरंभ किया जाए, यानी मकान बनाने का प्रोसीजर जो होता है, किसी ब्राह्मण के माध्यम से, पंडित जी के माध्यम से प्रारंभ किया जाए, कैसे किया जाए, किस मुहूर्त में किया जाए, कौन सा वो उत्तम मुहूर्त है आपके लिए जिसमें आप अपने घर का निर्माण करें, नीव पूजन करें। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि कौन से महीने में अगर आप नीव पूजन कर रहे हैं तो कौन से कोने से करना चाहिए और जो नाग देवता को बिठाया जाता है उनका मुख कैसे होना चाहिए, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है कि मैं प्रयास करूंगा कि आपको दोबारा रिपीट करूंगा एक दूसरे वीडियो में, आप प्रतीक्षा करें उसके बारे में। फिलहाल मैं आज आपके लिए जो लेके आया हूं वो है भूमि पूजन, शिलान्यास या ग्रहारंभ, जो भी आपकी भाषा में शब्दों का उपयोग करते हैं उसके अनुसार। तो विशेष रूप से जो मुहूर्त है आपके लिए आवश्यक मुहूर्त है वो कौन कौन से हैं, तो इस 2023 और 24 में कौन से उत्तम मुहूर्त हैं इस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पहले मुहूर्त की, यानी 11 मई 11 मई 2023 दिन है बृहस्पतिवार, ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी का दिन है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और अगर लगन की बात करें तो वृषभ और मिथुन लगन, साथ साथ अभिजीत मुहूर्त यानी मध्यान्ह का समय तो उसमें प्रारंभ होगा। उसके बाद दूसरा मुहूर्त है 12 मई का, 12 मई दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी श्रवण नक्षत्र और लगन है वही वृषभ और मिथुन लगन और अभिजीत मुहूर्त। उससे अगला मुहूर्त है 13 मई दिन शनिवार, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी धनिष्ठा नक्षत्र का है और लेकिन ध्यान रखिए ये मुहूर्त जो है प्रातः काल का तक ही है, प्रातः काल 6:51 तक है, आप 6:51 से पहले ही करें या फिर जहां आप रहते हैं उसके अनुसार वहां के नक्षत्र को देखते हुए और शुभ समय को देखते हुए कि नक्षत्र आपके वहां कितने बजे तक है कैसे। अगला मुहूर्त है 20 मई का दिन शनिवार, ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा रोहिणी नक्षत्र है लेकिन समय जो उसका शुरू हो रहा है वो 8:03 के बाद शुरू हो रहा है, दिन में लगन मिथुन और सिंह और अभिजीत मुहूर्त। अगला मुहूर्त है 22 मई का दिन सोमवार, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का मुहूर्त है और मृत्युंजय नक्षत्र है, ये प्रातः 8:37 तक ही है। अगला मुहूर्त 25 मई गुरुवार का दिन, ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी पुखरी नक्षत्र और लग्न है मिथुन और सिंह, अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा ये मध्यान्ह काल का। उसके बाद 1 जून का मुहूर्त है, दिन गुरुवार है बृहस्पतिवार है, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि है, चित्रा नक्षत्र है और प्रातः 6:48 तक ही है। ध्यान दें कि जो तक वाला समय आता है, समाप्ति का जो समय आता है कितने बजे तक है, तो आपका जो आपका विशेष कार्य है आप उससे पहले प्रारंभ कर दें, समाप्ति का कोई विशेष समय नहीं होता, वो कब तक चलता है उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस समय से पहले ही प्रारंभ कर दें। अच्छा, अब अगला जो मुहूर्त है वो 3 जून का है दिन शनिवार, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी अनुराधा नक्षत्र है लेकिन इसका जो समय प्रारंभ हो रहा है 11:17 के बाद प्रारंभ हो रहा है, ध्यान दें उस दिन भद्रा भी है तो भद्रा का परिहार जरूर करें। इसके बाद 12 जून का मुहूर्त है, आषाढ़ कृष्ण नवमी दिन सोमवार है, ये मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है 10:35 के बाद। 26 जून आषाढ़ शुक्ल अष्टमी सोमवार हस्त नक्षत्र है और ये मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है 12:44 के बाद दोपहर में, तो उसके बाद आप करें, ध्यान दें उस दिन मृत्यु बाण का योग भी है
तो मृत्यु बाण के योग का विचार भी आप जरूर करें, उसका समय भी आप वहां के लोकल पंचांग से देख करके कर सकते हैं। अगला मुहूर्त 6 जुलाई का है, श्रावण कृष्ण तृतीया गुरुवार। ये मुहूर्त सुबह 6:51 तक ही है। उसके बाद 10 जुलाई का मुहूर्त है, श्रावण कृष्ण अष्टमी सोमवार रेवती नक्षत्र। ये कर्क और कन्या लग्न साथ साथ अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा, इनमें आप प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद 14 जुलाई का मुहूर्त है, श्रावण कृष्ण द्वादशी शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र है उस दिन। ये भी कर्क लगन, कन्या लगन और अभिजीत मुहूर्त का समय, मध्यान्ह का समय आप देखें। उसके बाद 24 अगस्त दिन गुरुवार, श्रावण शुक्ल अष्टमी अनुराधा नक्षत्र है। ये 9:04 के बाद प्रारंभ होगा और मध्यान्ह काल में अभिजीत मुहूर्त का भी समय इसमें आप ले सकते हैं, अच्छा रहेगा। उसके बाद का जो समय है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी गुरुवार 7 सितंबर का समय दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और ये मुहूर्त है 10:25 तक। लेकिन इस दिन अग्निबाण दोष भी है तो उसका भी आप ध्यान रखें। 6:55 से अग्निबाण का दोष का भी, तो उसका समय आप वहां पर देख करके इस दिन आप पूजन करें। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी गुरुवार 7 सितंबर को रोहिणी के बाद मृषराज नक्षत्र लग रहा है, तो मृषराज नक्षत्र जो है उसके जो मुहूर्त हैं वो हैं 10:25 के बाद। तो यहां पर वृश्चिक लगन है, अभिजीत मुहूर्त है, याद जरूर देखो। अगला मुहूर्त है 11 सितंबर का, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी सोमवार, पुख नक्षत्र है और वृश्चिक लगन और अभिजीत मुहूर्त में आप नियुक्त पूजन कर सकते हैं। उसके बाद जो आ रहा है समय, अब सितंबर के बाद अक्टूबर में कोई मुहूर्त नहीं है, नवंबर में से प्रारंभ हो रहा है। तो 3 नवंबर का यह है कार्तिक कृष्ण षष्ठी शुक्रवार, 3 नवंबर पुनर्वसु नक्षत्र है, वृश्चिक लगन। लेकिन ध्यान रखें इस दिन चंद्र दान आप जरूर करें, चंद्रमा के उद्देश्य से चावल का दान, शंख का दान, सभी चीजों का दान आप कर सकते हैं अगर इस दिन करना पड़ रहा है या कर रहे हैं तो। और धनु लगन है और अभिजीत मुहूर्त है। उसके बाद 4 नवंबर का समय, कार्तिक कृष्ण सप्तमी शनिवार का दिन, पुख नक्षत्र है। ये जो है मुहूर्त 12:04 के बाद करना है इस दिन आप कर रहे हैं तो। उसके बाद 10 नवंबर कार्तिक कृष्ण द्वादशी शुक्रवार, हस्त नक्षत्र है। ये दोपहर में 12:36 तक है, आप इससे पहले कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद 23 नवंबर कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये वही एकादशी है जिसे तुलसी विवाह या देव उत्थान या देव उठनी एकादशी के नाम से आप जानते हैं, करते हैं। तो ये जो है 23 नवंबर को है, उत्तराभाद पर नक्षत्र है। वैसे इस दिन तो पूरा दिन ही मान्य होता है क्योंकि अनसुझा मुहूर्त कहा जाता है, इसमें मैं समय का प्रतिबंध आपको नहीं कहूंगा। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा सोमवार 27 नवंबर रोहिणी नक्षत्र है और इस दिन 1:36 के बाद आप नीव पूजन का मुहूर्त कर सकते हैं। इसके बाद का जो समय है वो है मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया, यानी अगहन का महीना है, अंधेरे पक्ष की द्वितीया है, बुधवार का दिन 29 नवंबर मृषराशि नक्षत्र है। ये दिन के लगन है, ये धनु और मकर लगन में आप नीव पूजन कर सकते हैं। उसके बाद मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी गुरुवार का दिन, ये डेट है 7 दिसंबर 2023, हस्त नक्षत्र है, वही दिन की लगन है धनु और मकर लगन में, अभिजीत मुहूर्त में आप ये पूजन कर सकते हैं। अगर 7:56 से पहले करना तो आप बिल्कुल ना करें, 7:56 के बाद ही करें, मॉर्निंग में सुबह सुबह उसके बाद ही करना। इससे अगला मुहूर्त है मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी शुक्रवार 8 दिसंबर, हस्त नक्षत्र है। इसका जो दिन है वो 8:54 तक ही है, उसके बाद मुहूर्त नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम 2024 में, ये भी आपको बताया 2023 तक के ही मुहूर्त हैं। 24 में कौन सा दिन है, 24 में पौष पूर्णिमा गुरुवार 25 जनवरी 2024, पुख नक्षत्र है। यहां पर जो समय है 10:38 के बाद आपने करना है मुहूर्त।
और माघ कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार 26 जनवरी और पुख नक्षत्र है। इस दिन 10:28 तक है। उसके बाद 1 फरवरी माघ कृष्ण षष्ठी गुरुवार चित्रा नक्षत्र है। यहां पर मेष लगन अभिजीत मुहूर्त और जो पूरा समय है वो 2:32 तक है, उसके बाद मुहूर्त नहीं, उससे पहले ही आपको लेना चाहिए। अगला मुहूर्त 14 फरवरी माघ शुक्ल पंचमी बुधवार अश्विनी नक्षत्र है। यहां पर 10:43 के बाद आपने करना है पूजन। उसके बाद 15 फरवरी माघ शुक्ल षष्ठी गुरुवार अश्विनी नक्षत्र उस दिन भी है, लेकिन 9:26 तक ही मुहूर्त है, उसके बाद नहीं है, क्योंकि जो नक्षत्र का मान है वो 9:26 ही रहेगा। उसके बाद का मुहूर्त है 6 मार्च फाल्गुन कृष्ण एकादशी बुधवार, 6 मार्च तक का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ये मुहूर्त 2:52 के बाद है, तो आप 2:52 के बाद ही करें, उससे पहले कोई मुहूर्त नहीं है। तो इन सब मुहूर्तों को आप जरूर नोट करें। आप कहां से हैं, किस क्षेत्र से हैं, आप मुझे कमेंट जरूर करें, आप जरूर बताएं कि आपको ये मुहूर्तों वाला जो वीडियो कैसा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, जय माता दी।